मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में नेशनल हाईवे 146 पर ग्यारसपुर के पास बरमणी एवं सिंध नदी के बीच ट्रक चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। महिला का नाम उमा कुशवाहा, उम्र लगभग 25 वर्ष, पति छोटे लाल कुशवाहा बताया जा रहा है। महिला के सिर में चोट एवं बाया हाथ क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ में महिला का 3 से 4 माह का बच्चा भी था, जिसे कोई चोट नहीं आई है। 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल अवस्था में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर लाया गया। ग्यारसपुर के डॉक्टर अब्बास के द्वारा प्राथमिक जांच के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उस महिला के विदिशा पहुंचकर सांसें टूट गईं, अपने पीछे 2 बच्चियों को छोड़ गई, जिसकी उम्र 1 की 6 वर्ष है और दूसरी की 3 वर्ष है। महिला ग्राम मावली की रहने वाली थी, जो कि त्योंदा क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस विभाग जांच पड़ताल में लगा हुआ है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।